हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट कुकिंग विद रजनी में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आज हम बनाएंगे रवा का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। हर ओकेज़न पे इसे बनाना पसंद करते हैं। कभी हमारे यहाँ पे सत्यनारायण पूजा हो, या फिर दुर्गा अष्टमी हो, या फिर ऐसे भी हम अपने घर पर बनाने के खाने के लिए बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं चलिए अच्छा सा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाला है 1 कप घी डाला है, और यहाँ पे हमने 1/2 kg रवा लिया है। तो उसे हमें मीडियम टू स्लो फ्लेम पे हमें इसे भूनते जाना है, पेशेंस से भूनना है। गैस अगर हम फास्ट करके इसे भूनेंगे तो इसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा और रवा जल जाएंगे, इसलिए हमें मीडियम टू स्लो ही रखना है। धीरे धीरे इसे फ्राई करना है, और ये भूनते भूनते थोड़ा सा सौंधी सी खुशबू आने लगेगी, हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाएगा, तो फिर समझ लेना कि हमारा रवा हो चुका है। जब तक ये हल्का पिंक नहीं, एकदम बिल्कुल लाइट पिंक नहीं हो जाता, तब तक इसे आप भूनते जाइए। तो ये देखिए, स्लो गैस पर हमने भुना है, इसलिए अच्छी तरह से भुना रहा है, और इसका कलर हमें उतना ज़्यादा रेड कलर में जैसे नहीं रहेगा, सर हल्का सा ही पिंक जैसे आएगा, उसको ध्यान देना आप। तो ये देखिए हमारा हो चुका है पिंक कलर। तो हमने इसमें पानी डाला है, पानी की कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह से रखना है। पानी आप इतना डालें कि रवा थोड़ा सा नीचे डूब जाए, उतना पानी डालना है। तो ये देखिए, इस तरह से करके इसे फटाफट से मिलाते जाना है, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। और ये देखिए, इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। जब ये मिक्स करके अच्छे से हो जाएगा, ये देखिए, तो अच्छे से मिक्स करके हो गया है, तब हम इसमें फटाक से शुगर ऐड करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने शुगर भी अपना 2 कप हमने लिया हुआ है। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे थोड़ा सा मीठा ज़्यादा ही रखेंगे इसको तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये हल्का मीठा हलवा उतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, यहाँ हमने स्वाद अनुसार अपना शक्कर ऐड कर लिया है। अब इसे भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, यही मेन सीक्रेट हमारा है, हमारा जो हलवा स्मूथ बनेगा। अब इसी स्टेज पे हमें डालना है 2 स्पून घी, देसी घी डालना है। यह हलवा हम पूरा अपना देसी घी से ही बनाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 स्पून के जगह 4 स्पून में डालोगे तो कोई हर्ज नहीं है, और भी हमारा हलवा बढ़िया सा स्मूथ बनेगा। तो ये देखिए, इसे भी अच्छे से हम चलाएँगे, ताकि ये अच्छी तरह से हर जगह से मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें अपना ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है, वो आप कट करके इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए, इसे भी हमने कट कर लिया, डाल दिया है। तो ड्राई फ्रूट्स आप चाहिए तो रोस्ट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने रोस्ट नहीं किया है। तो ये देखिए, इस तरह से हम डाल करके इसे मिला लेंगे, और इसी तरह से हल्का सा गीला रहे तो इसी पे आप फ्लेम बंद कर दीजिए। बिल्कुल बढ़िया सा हमारा दानेदार स्मूथ एकदम खिला खिला हलवा बन करके रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और भी रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल पे जा कर के चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई